तो हेलो वाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कॉनर मैग्रेगर और डस्टिन पोरियर की जो वापस से ट्विटर पे जो ये राइवलरी और वापस से जो ये दोनों एक दूसरे को ट्रैश टॉक कर रहे हैं उसके बारे में so, यार कल एक न्यूज़ आई कि डस्टिन पोरियर जो यू के लाइट वेट कंटेंडर हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा क्योंकि उनको एक स्टाफ इन्फेक्शन हो गया तो स्टाफ इन्फेक्शन बेसिकली एक होता है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर आपको कोई कट वगैरह लग गया है या कहीं पर कुछ भी कट हो गया और उसके ऊपर आपको इन्फेक्शन हो गया तो बेसिकली जो हम हम अपने लैंग्वेजेज़ में बोलते हैं कि जो घाव पक गया है मतलब उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो वो स्टाफ इन्फेक्शन डस्टिन पोरियर को हुआ और उनको हॉस्पिटलाइज कराना गया और दो दिन से वो हॉस्पिटलाइज है क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट उन पर हो नहीं रहा है तो इसका जब न्यूज़ बाहर आया तो कॉनर बकरेगर ने ऑब्वियसली डस्टिन पोरियर के वो काफ़ी बड़े एनिमी हैं और दोनों के बीच में तीन फाइट्स भी हो रखी हैं तो कॉनर बकरेगर ने थोड़ा मजाक उड़ाया डस्टिन पोरियर का तो उस ट्वीट को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और इन दोनों के बीच में इसी बात पर काफ़ी ज़्यादा तो में हो गई ट्विटर पे ही और ये एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग गया जैसे कि आपको पता होगा कि कॉनम मग्रेगर एक फिल्म शूट कर रहे हैं तो उस फिल्म का मजाक उड़ाते हुए डस्टिन बॉरियर ने उनको कुछ बोल दिया फिर कॉनर कॉनमग्रेगर ने उसका रिप्लाई करते हुए यह बोला कि मैं वापस आऊँगा तुझे पीट दूंगा वगैरह वगैरह और इसके बीच में नेट डिया भी घुस गए तो यार जैसा कि आपको पता है नेट डिया को यू से भी निकाला गया है उन्होंने यू छोड़ दिया है और उन्होंने दूसरी चीजों में चल गई मुझे ये समझ नहीं आता कि नेट डिया क्यों हर चीज के बीच में पड़ जाते हैं यहाँ अगर दो बंदे फाइट कर रहे हैं कॉनम अग्रेगर और डस्टिन पोरियर जो कि यू में है तो कोई सेंस भी बन रहा है स्ट्रेस टॉकिंग का कोई पब्लिक इसके बारे में कुछ ओपिनियन भी बना सकती है कुछ बोल भी सकती है लेकिन नेट डियाज बीच में बोल रहे हैं क्योंकि वो पॉइंटलेस है ना वो कॉर्नम अग्रेगर से फाइट कर सकते हैं ना वो डस्टिन पोरियर से फाइट कर सकते हैं तो इनका नेट डियाज का यहाँ पर बीच में बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है और रही बात कॉनम एग्रेगर और डस्टिन पोरियर की जो अगर दोबारा फाइट होगी जो फोर्थ फ़ाइट जो लोग कह रहे हैं क्या वो होगी या क्या वो नहीं होगी या दोबारा से कॉनम एग्रेगर जब वापस आएंगे तो वो डस्टिन पोियर को ही फ़ाइट करेंगे या किसी और अपोनेंट को फ़ाइट करेंगे तो इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है क्योंकि कॉनम अग्रेगर को कोई भी फाइट न्यूज़ नहीं आ रहा और लिटरली हर बंदा यू का जो भी फैदर वेट या बैंटम वेट से लेके वेल्टर वेट तक देख लो सब बंदे कॉल आउट कर रहे हैं कॉनम अग्रेगर को सबको कॉनम अग्रेगर से ही फाइट करना आई डोंट नो वाई मोस्ट प्रॉब्ल बली क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है उस फाइट में कॉनर मैग्रेगर से फाइट करने के लिए से सब सबको पैसा चाहिए और कॉर्ना मग्रेगर भी अगर कहीं पर ट्वीट वगैरह में कह रहे हैं कि वो पहले आके डस्टिन पोियर से फ़ाइट करेंगे फिर नेट डिया से फाइट करेंगे इसका अभी कोई भी नहीं है वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं अगर आपको लग रहा होगा कि वो सही में ट्विटर पर बोलते हो तो ट्विटर पर वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है या उससे बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ें वो करते हैं और रही बात फोर्थ फ़ाइट की तो वो फोर्थ फाइट में ज़रूर देखना चाहूँगा क्योंकि यार अगर कुछ भी मानो ये तो हमको पता है कि जो थर्ड फाइट थी वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव चल रही थी और मैं इस राइवलरी का एक डेफिनेट एंड देखना चाहूँगा भले उसमें कॉर्नर मैग्रेगर हार जाए बट मैं एक डेफिनेट एंड जरूर देखना चाहूंगा क्योंकि यार देखो फर्स्ट फाइट कॉर्न मग्रेकर ने नॉकआउट करा सेकंड फाइट डस्टिन पोरियर ने नॉकआउट करा थर्ड फाइट में सेकंड राउंड में कुछ भी हो सकता था हम कुछ नहीं कह सकते कि कॉर्मेग्रेकर पिट जाता या वो हो जाता लेकिन फर्स्ट सेकेंड फाइट में होता तो स्टैंड अप बैटल ही और दिख जाता कि किसकी स्ट्राइकिंग ज़्यादा बेटर है अगर अगर लेग ब्रेक नहीं होता कॉर्नमेकरेकरेर तो मैं ये फोर्थ फाइट ज़रूर देखना चाहूँगा आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट्स में बताना कि आपको ये फोर्थ फाइट देखनी है कि नहीं देखनी टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय